दोस्तों राधे मूवी को लेकर आ चुकी है बड़ी मुसीबत। मेकर्स कैसे करेंगे इसका सामना? जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की काफ़ी बड़ी खबर निकल के आ रही है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं राउंड वाल न्यूज़। जी हाँ, बात कर ली जाए तो राधे मूवी जिसको लेकर बज़ काफ़ी ज़्यादा है, और बात कर ली जाए तो ये फिल्म ईद के मौके पर रिलीज़ होने वाली थी। और साथ ही दोस्तों इसमें आपको रणदीप हुड्डा भी नज़र आएंगे, जो कि रणदीप हुड्डा ये तीसरी बार जो है सो इनके साथ सलमान भाईजान के साथ वो काम कर रहे हैं। और बात कर ली जाए तो इस फिल्म में उनका जो कैरेक्टर है रणदीप हुड्डा का एज ए विलन के तौर पे है। वैसे दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि इस फिल्म में जो कहानी जो है सो काफ़ी टाइम पहले ही इसकी शूटिंग लगभग कंप्लीट होने वाली थी और लगभग अब कंप्लीट हो चुकी। इसके VFX कुछ वर्क्स हैं, कुछ ऐसे सीन्स हैं जिसको शूट करना बाकी था, जो कि लगभग तैयार हो ही जाएगा। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी मुसीबत क्या आ चुकी है तो बात कर ली जाए तो हो सकता है कि इस साल रिलीज़ हो ना हो, ये कहना मुश्किल हो चुका है। जी हाँ, कैसा कि आप लोग जानते होंगे कि सूर्यवंशी के मेकर्स यानी कि ये खबरें निकल के आ रही है कि सूर्यवंशी दिवाली पे रिलीज़ हो रही है और क्रिसमस पर 83 मूवी रिलीज़ हो रही है, जो कि रणवीर सिंह की फिल्म है। तो दोस्तों ये दो बड़ी फिल्में जो कि दिवाली और क्रिसमस दोनों को ही अपना बैकअप ले रही है, यानी कि दोनों ही बड़े फेस्टिवल्स पर रिलीज़ हो रही है। और सलमान भाईजान भी ज़्यादातर फेस्टिवल्स पर ही रिलीज़ करते हैं उनकी जो फिल्में आती हैं। और बात कर ली जाए तो इस बार हो सकता है कि दिवाली पर रिलीज़ हो सके कि राधे, ये खबरें आ रही थी। लेकिन दोस्तों अब ये नज़र आ रहा है कि भाई सूर्यवंशी दिवाली पर रिलीज़ हो रही है। सूर्यवंशी ने काफ़ी टाइम से वेट किया है, कई सारे रिलीज डेट्स हो रहे हैं, तो ऐसे में हो सकता है सूर्यवंशी दिवाली पर रिलीज़ हो और 83 मूवी क्रिसमस पर रिलीज़ हो। तो दोस्तों ऐसे में राधे के मेकर्स के लिए बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर दोनों ही बड़ी फिल्में हैं, दोनों से ही क्लैश करती है, तो दोनों ही फिल्मों को कहीं ना कहीं नुकसान तो उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये काफ़ी बड़ी खबर निकल के आ रही है। अब ऐसे में किस तरह से मेकर्स इसको मैनेज करते हैं, क्योंकि ये दो बड़े पर्व हैं जो कि अब सामने आने वाले हैं, तो ऐसे में दोनों ही बड़े पर्व पर दोनों ही बड़ी फिल्में का कब्जा हो चुका है, जो कि पहले अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो अब ऐसे में क्या हो सकता है, क्या राधे मूवी को साल 2021 में रिलीज़ किया जाएगा या राधे मूवी के लिए कोई नया रिलीज डेट रखा जाएगा जो कि एज ए नॉर्मल रिलीज़ किया जाएगा? आपका क्या कहना है, आपका क्या रिएक्शन है, नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए दोस्तों। और इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, क्या राधे मूवी को लेकर क्या उसे दिवाली पर या क्रिसमस पर ही रिलीज़ होने देना चाहिए या अनदर डे रिलीज़ होने देना चाहिए? जैसा भी आपका रिएक्शन हो नीचे कमेंट्स में अपने ओपिनियन जो शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बने रहिए।